स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 18th लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा लेक्चर है? ये 19th लेक्चर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? 18th लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने एड्स को फिनिश कर लिया था, ठीक है। अब 19th लेक्चर से हम शुरू करेंगे कैंसर। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कैंसर भी, मतलब कैंसर, ठीक है, कैंसर क्या होता है, कैंसर हो गया किसी को, इसमें क्या होता है, ट्यूमर बन जाता है, ये सब तो बेसिक बातें हैं जो कि सभी को बताऊंगी, किसी भी स्टूडेंट को पता हो सकती है ये, ठीक है, या किसी लेमैन को, कोई भी रोड पे चल रहा है इंसान उसको बताऊंगी। लेकिन आप क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए चीजें कि कैंसर में एग्जैक्टली होता क्या है और क्या क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इस लेवल के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है उतना सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो कैंसर पे पूरी बुक लिख सकते हो आप, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है हमें, लेकिन इस लेवल पे आपके 12th और नीट के लेवल पे जितना जरूरी है उतना अपन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए कैंसर देखो। सबसे पहली बात, कैंसर जो है इसको समझते हैं, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, ठीक है, कि कैंसर एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, सेल की जो ग्रोथ है, सेल कैसे ग्रो कर रहा है ये चीज, और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, सेल जब ग्रो करता है, ठीक है, तो हम सब एक ही सेल से बने थे, एक स्पर्म एक ओवा ये मिला तो एक सिंगल सेल बना था जिसको कहते हैं जायगोट। अब ये जायगोट से फिर एक सेल से दो सेल बने, दो से चार, आठ, सोलह, बत्तीस, डिवाइड करते गए, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों, उस एक सेल से इतने सारे सेल बनते गए, लेकिन क्या सभी सेल का फंक्शन है क्या? नहीं। कुछ सेल ने तो हाथ बनाया, कुछ सेल ने नाक बनाया, कुछ सेल ने आंखें बनाई, ठीक है, और जिंदगी भर, अब जैसे आंख पे बहुत सारे सेल बनते रहते होंगे डेली, डेली बहुत सारे सेल मरते हैं, डेली बहुत सारे सेल बनते हैं, तो आंख पे जो सेल बन रहे हैं वो हमेशा आंख वाले ही सेल बनेंगे, नाक पे जो सेल बन रहे हैं वो हमेशा नाक वाले ही सेल बनेंगे, हाथ पे जो सेल बन रहे हैं वो हमेशा हाथ वाले ही सेल बनेंगे। ऐसा कभी होता है हाथ पे नाक वाले सेल उग गए, नाक उग गई हाथ पे, या यहाँ पे हाथ उग गया आपका? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिफ्रेंशिएटेड है, ये जब बन रहे थे तो ही इनके डीएनए में ये इंफॉर्मेशन सेव थी कि इनको लाइफ टाइम क्या बनाना है, इनके जो डॉटर सेल बनेंगे हमेशा वो इनके जैसे ही बनेंगे, ठीक है, क्लियर है बात? ये होता है डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंशिएशन होना, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर सेल की जो ग्रोथ होती है और सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक एंजाइम्स, अलग अलग टाइप के फैक्टर इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एंड रेगुलेटेड इन आवर बॉडी, और ये बहुत कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स और एंजाइम्स वगैरह कई सारी चीजें होती हैं इसमें, वो इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। ये तो हुई है एक नॉर्मल इंसान की कहानी, हमारे मतलब हमको भगवान करे किसी को कैंसर ना हो, मतलब हम लोग नॉर्मल हैं तो हमारी बॉडी में तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, वेन कैंसर अकर इन आवर बॉडी, लेकिन जब किसी इंसान की बॉडी में कैंसर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन कैंसर अफेक्टेड सेल, ठीक है। अब कैंसर जहां पे हुआ, कैंसर कहीं भी हो सकता है, माउथ में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, जहां का कैंसर होता है वहां का उसको नाम दे देते हैं, ब्रेन का कैंसर तो ब्रेन कैंसर हो गया, ठीक है, लंग में कैंसर हो गया तो लंग कैंसर हो गया, थ्रॉट में कैंसर हो गया तो थ्रॉट कैंसर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बाकी चीज एक ही है, तो जहां पे भी कैंसर होता है, शुरुआत होती है इसकी, मान लीजिए लंग्स में हुई है शुरुआत, ठीक है, तो लंग्स के सेल के जो मैकेनिज्म है, ये वाला जो मैकेनिज्म था डिफरेंशिएशन और सेल ग्रोथ का जो हाईली स्पेसिफिक मैकेनिज्म था, इसको ये कैंसर वाले जो सेल होते हैं वो डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब करना कैसे शुरू करते हैं ये और समझते हैं। नॉर्मल सेल एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट ऑफ अ सेल विद अदर सेल्स इनहिबिट इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है इसको ढंग से समझ लो, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है,
तो इनमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन का एक प्रोसेस होता है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब ये होता है कि ये सेल जो है ग्रो तो करेगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर साइज तक ही ग्रो करेगा। इसके बाद इसके जो बगल वाले सेल जो है, जो पड़ोसी सेल है इसके, वो इसको रोक देंगे कि अब आपकी ग्रोथ हो गई है, अब इतना ही करना है। ये दोनों इसकी ग्रोथ को रोकेंगे, ठीक है, इसकी ग्रोथ को ये दोनों रोकेंगे, इसकी ग्रोथ को ये दोनों रोकेंगे, ऐसे करके जो आसपास के नेबरिंग सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। एक टाइम तक तो ग्रो करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, और ये बहुत जरूरी भी है। नहीं तो हमारे सेल बनते ही जाएंगे, पूरे सेल बन जाएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारे बॉडी के सेल की भी एक साइज है, एक शेप है, ठीक है। ऐसे थोड़ी यहाँ पे सेल बनने लग गए तो यहाँ पे बहुत सारे सेल बनने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सपोज कीजिए ये आपकी फिंगर है, इसमें 1,00,000 सेल बनते हैं डेली, 1,00,000 सेल बनते हैं और 1,00,000 सेल ही मर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 1,50,000 सेल बनने लगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पे 1,00,000 सेल बनने लग गए या 1,00,000,000 सेल बनने लग गए डेली, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी अगर सेल की या साइज में वो बढ़ जाएगा, तो फिर वहां पे जन्म होगा ट्यूमर का, और ट्यूमर से शुरुआत होती है कैंसर की, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का जो प्रोसेस है, जो कि अच्छा प्रोसेस था, सेल आपस में एक दूसरे के ग्रोथ को मेंटेन रखते थे, इसके वजह से ये प्रोसेस यहां पे कर जाता है फेल, ठीक है। ये यहां पे नहीं हो पाता है कैंसर वाले जगह पे, ठीक है। ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट ऑफ अ सेल विद अदर सेल्स इनिबिट्स इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। अब इससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन फेल होता है तो इससे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। सेल का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेल बहुत ज्यादा नंबर में बनने लगेंगे, ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाएगी, और यहां पे फिर धीरे धीरे वो एक गांठ में तब्दील हो जाएगा, गांठ मतलब ट्यूमर में तब्दील हो जाएगा, और फिर वो ट्यूमर से फिर और जगह फैलेगा, और इस तरीके से पूरी बॉडी में दिक्कत करता जाएगा, ठीक है। क्लियर ही बात, तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसर सेल लूजेस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। ये बात अभी मैंने आपको बताई कि कैंसर सेल जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो देते हैं, उनको पता ही नहीं कितना ग्रो करना है, ठीक है। अब ग्रो करते जाएंगे बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, और दूसरे सेल्स को भी साथ साथ ग्रो करवा रहे हैं, जो दूसरे कैंसर अफेक्टेड सेल है उनको भी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये एक गांठ से बन जाती, एक इस तरीके से गांठ से बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब करके ये पूरी एक पूरी गांठ से बन जाएगी, ठीक है। ये पूरा एक ट्यूमर सा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर ही बात। और ये यहां से जब ट्यूमर बनेगा, ये चीज यहां पे बताई गई है, गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल, ये मास ऑफ सेल बन जाएगा, और ये क्या है, इसको हम कहते हैं ट्यूमर, ठीक है। अब ये ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आगे समझेंगे। दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, कैसे एक जगह फिक्स रहने वाले भी ट्यूमर होते हैं और जगह जगह फैलने वाले भी ट्यूमर होते हैं, ये बात है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू, हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा कि कैंसर क्या होता है, अब इसमें और बातें हम समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर के जो टाइप है वो देखते हैं हम। ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर को साधारण भाषा में आप गांठ बोल सकते हैं, सेल की गांठ बन जाना अंदर ही, ठीक है। अब ये कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में बन सकता है, कहीं भी मतलब बॉडी में बन सकता है, तो वहां का ट्यूमर हो जाता है। ब्लड में बन जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूमर से ही फिर कैंसर बनता है आगे जाके, ठीक है। ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, दो, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर की। देखो बिनाइन ट्यूमर जो है, इट रिमेन लिमिटेड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर की एक बात यह है कि जहां पे ये है वहीं पे फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज ये आपकी ब्लड वेसल ले ली मैंने, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल ले ली, इसमें ये आपका ब्लड बह रहा है, ठीक है, क्लियर ही बात। अब मान लो एक ट्यूमर हो गया, ठीक है, एक ट्यूमर हो गया आपको, ये ट्यूमर हो गया यहां पे, ठीक है, ये ट्यूमर हो गया, सेल का गुच्छा बन गया, ये ट्यूमर हो गया, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर कैसा ट्यूमर होता है, ये अपने जगह पे ही रहेगा फिक्स, ये मूव नहीं करेगा, मतलब ये नहीं कि यहां से कुछ टाइम बाद यहां चल गया इधर चल गया, मतलब स्प्रेड के चांसेस नहीं है या स्प्रेड के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी लोकेशन पे फिक्स रहेंगे, ठीक है।
तो जब अपनी लोकेशन पे ही फिक्स रहेंगे तो इनको ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। दे कॉज लेस डैमेज, इसीलिए ये डैमेज भी लेस करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली इसी ऑर्गन को, जैसे मान लो यहां पे ट्यूमर हो गया तो इसी ऑर्गन को ही डैमेज करेंगे, तो इसको ट्रीट करना भी डॉक्टर के लिए आसान है, ठीक है। लेकिन खतरनाक जब है जब ये पूरी जगह फैल जाए, ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे कौन सा ट्यूमर है वो। तो बिनाइन ट्यूमर आपको समझ में आ गया होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेटिंग मतलब फास्ट डिवाइड करना, ठीक है, प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल, ठीक है। देखो ये क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एक मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ठीक है, मतलब मास है प्रोलिफरेटिंग सेल्स का, जिसको हम कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल या फिर ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल बोलो या नियोप्लास्टिक सेल बोलो, क्या होते हैं एक्चुअल में, ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मास होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिवाइड करने वाले सेल का मास होता है, ठीक है। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली, दे दस इन्वेड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। देखो ये सेल जो होते हैं ना, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तो जब तेजी से ग्रो करते हैं तो ये आसपास के जो एरिया है उसको भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्प्रेड होके एक टाइम बाद ये टूटते हैं और फिर एक सेल यहां जाएगा, एक सेल यहां जाएगा, ठीक है, फिर यहां भी ये ट्यूमर बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, फिर यहां भी ये ट्यूमर बना देंगे, तो मतलब ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है और फिर धीरे 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 जगह जगह आपकी बॉडी में यहां भी गांठ बन गई, यहां भी गांठ बन गई, यहां भी ट्यूमर बन गया, ठीक है, बहुत जगह आपकी बॉडी में मतलब वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको मतलब ट्रीट करना डॉक्टर के लिए मुश्किल है, यहां ट्रीट करेंगे यहां भी है, यहां ट्रीट करेंगे यहां भी है, मतलब बहुत जगह है बॉडी में, ठीक है, तो इसके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कैंसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है लेकिन इनिशियल स्टेज पे कैंसर का ट्रीटमेंट है, आज भी फाइनल स्टेज पे कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये खतरनाक बीमारी है, ठीक है, किसी को ना हो, और किसी को अगर हो भी जाए तो उसके प्रति हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे पता पड़ना मुश्किल रहता है, ठीक है, जैसे ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, तो ब्लड कैंसर में पता ही नहीं पड़ेगा आपको इनिशियल स्टेज पर, हल्का सा फीवर आता है, थोड़ा सा इंफेक्शन सा होगा ब्लड में, ठीक है, आप टेस्ट करवाएंगे तो नॉर्मल सा लगेगा, ठीक है, फिर वही रिपीटेड फीवर आएगा बीच बीच में, फिर पता पड़ता है जब वो सेकेंड या थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, जब पता पड़ता है कि ब्लड कैंसर है, ठीक है। तो कैंसर को ट्रीटमेंट कब किया जा सकता है, कैंसर का ट्रीटमेंट तभी किया जा सकता है, पूरा अच्छे से क्योर इसको तभी किया जा सकता है जब ये इनिशियल स्टेज में पता पड़ जाए, ठीक है। अगर ये फाइनल स्टेज में पता पड़ेगा तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर ये फाइनल स्टेज में जाके ही पता पड़ता है, ठीक है। कई सेलिब्रिटीज हैं, आप जानते भी होंगे, इरफान खान या ऋषि कपूर, इन सब की डेथ कैंसर से ही हुई, ठीक है, और पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब ट्रीटमेंट है ही नहीं फाइनल स्टेज में तो फिर इंसान क्या करे, ठीक है, क्लियर ही बात। तो भगवान करे ये किसी को ना हो बीमारी और सब स्वस्थ रहें। और कुछ एक चीजें हैं, वैसे तो जेनेटिकल भी रीजन होते हैं इसके, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिसको अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप में चांसेस कम है कि आप इस पर्टिकुलर डिजीज की चपेट में आए, ठीक है, क्लियर है ये बात। देखिए दोस्तों, जो कैंसर वाले सेल होंगे या जो ट्यूमर वाले सेल्स होंगे वो एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एज दीज सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रोइंग, इट लीड्स टू द स्टार्वेशन ऑफ द नॉर्मल सेल बाय कंप्लीटिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। क्या हो रहा है देखो, इसको इस चीज को समझो, ठीक है। ये अपना है कैंसर वाला सेल, ये मैं बनाता हूं ब्लू से कैंसर वाला सेल, ये कैंसर वाला सेल है, कैंसरस सेल बोल दो, ट्यूमर वाला सेल बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। अब इसके आसपास तो कैंसर वाले सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, ये दूसरा नॉर्मल सेल है, ये तीसरा नॉर्मल सेल है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल सेल है इसके आसपास, अरे है कि नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है, ये कैंसरस सेल है, अब इसके आसपास तो दूसरे बेचारे नॉर्मल सेल है, लेकिन ये क्या करता है, ये कैंसर सेल इतनी तेजी से डिवाइड करता है, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड कर रहा है और ग्रो कर रहा है, इसलिए इट लीड टू द स्टार्वेशन ऑफ द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये क्योंकि ग्रो कर रहा है तेजी से, ठीक है, और ये काफी तेजी मतलब काफी रैपिड इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको खाने पीने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए, ठीक है। अब इसके पास जो चीजें वो तो खा जाता है, ठीक है, ये दूसरों के भी चीजें खा जाता है, ठीक है,
जैसे कई लोग हेल्दी लोग होते हैं ना कि खुद का टिफिन तो खा जाते हैं, स्कूल वगैरह में करते थे हम लोग भी, शायद आप लोग भी करते हो, तो खुद का तो टिफिन खा जाते हैं, फ्रेंड का भी टिफिन खा जाते हैं, ठीक है, ज्यादा भूख लगती है तो क्या करें फिर, ठीक है। तो वैसे ये क्या कर रहा है, ये खुद का टिफिन तो खा ही रहा है, मतलब खुद की चीजें तो खा ही रहा है, इसके आसपास जो सेल है ठीक है उनसे भी ये चीजें ले रहा है कि मेरा पेट भर नहीं रहा तो आप भी मुझे कुछ ना कुछ दो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इनकी चीजें भी, इनका न्यूट्रिशन भी लेने लगेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इनका न्यूट्रिशन जब ये लेने लगेगा तो ये आसपास वाले सेल कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बच्चा है स्कूल में, वो सबका टिफिन खा जाता है, ठीक है, खुद का भी खा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हेल्दी रहेगा, और दूसरे बेचारे बच्चे भूखे हैं तो वो कमजोर होते जाएंगे। तो वही कहानी यहाँ पे हो रही है कि वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसको, जो कैंसरस सेल है उसको, क्योंकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो वो खुद का तो न्यूट्रिएंट ले ही रहा है, इसके अलावा आसपास का भी, आसपास के सेल का भी न्यूट्रिएंट ले लेता है, और इससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, स्टार्वेशन क्रिएट होता है। स्टार्वेशन मतलब भुखमरी, तो यहाँ के आसपास के सेल्स में भुखमरी वाली कंडीशन आ जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होनी उनको शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये समझ में आ गया होगा आपको। सेल में भी स्लॉग्ड फ्रॉम सच ट्यूमर एंड रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, ठीक। अब ये जो मैंने आपको बताया कि अब ये सेल जो है ये कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया है, ठीक है, अब इसका पेट नहीं भर रहा है, ये आसपास के सेल्स का तो इसने खा लिया सब कुछ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मेरे को तो और चाहिए, तो ये अब दूसरी जगह जाएगा बॉडी में, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू या किसी भी और मीडियम के थ्रू, जनरली ब्लड के थ्रू ही दूसरी जगह जाएगा, और वहां के भी आसपास के सेल की चीजें खा जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये ट्यूमर जो है डिस्टेंट साइट पे जाएगा, ठीक है, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू, और वहां के दूसरे सेल्स को भी डिस्टर्ब करना शुरू करेगा, ठीक है। ये सब किसमें आ रहा है दोस्तों, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में पड़ रहे हैं, बिनाइन ट्यूमर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की कहानी है सारी, ठीक है। वेयर एवर दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी दे कॉज द इमरजेंसी ऑफ अ न्यू ट्यूमर, ठीक है। जब भी ये लॉक्ड हो जाते हैं एक जगह, ठीक है, जब भी ये किसी पर्टिकुलर जगह पर फिक्स हो जाते हैं, तो इन द बॉडी दे कॉज द इमरजेंसी ऑफ अ न्यू ट्यूमर, ठीक है, फिर ये नया ट्यूमर बनाते हैं वहां, ठीक है, समझ पाए इस बात को। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये सेल गया, इसने आसपास के सेल की चीजें खा गया सब, ठीक है, दूसरी जगह गया, वहां के भी सेल की चीजें डिस्टर्ब कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। अब एक टाइम पे क्या हो रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, एक टाइम पे इसको खाना मिलना बंद हो गया, आसपास के सब सेल का खाना खत्म हो गया, ये सब खा चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और इससे नए नए सेल्स बनाएगा, ठीक है, इससे जब नए नए सेल्स बनाएगा तो वो जाएंगे दूसरी जगह, इसके जो बच्चे होंगे ना वो जाएंगे दूसरी जगह, नई नई जगह जाएंगे वो बॉडी में, और वहां ट्यूमर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जगह जगह ट्यूमर हो जाएगा, इसलिए इसका डायग्नोसिस भी मुश्किल है और इसका ट्रीटमेंट तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इस स्टेज में जाने के बाद जनरली इंसान की डेथ ही होती है, बचाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। व्हेन दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी दे कॉज द इमरजेंसी ऑफ अ न्यू ट्यूमर डेवलप करेंगे, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस। और ये जो प्रॉपर्टी है, नए ट्यूमर बनाने की जो प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, इस एक ट्यूमर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर में यही होता है कि एक ट्यूमर नए नए ट्यूमर बनाता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इन ट्यूमरस सेल की, या जो ट्यूमर वाले सेल होते हैं या कैंसरस सेल होते हैं, उनकी जो ये प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद कॉजेज ऑफ कैंसर देखते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है, कैंसर के क्या कॉज हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स, दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, ठीक है। अब देखो सब कुछ सही था, नॉर्मल था, इंसान की बॉडी में सारे सेल नॉर्मल थे, तो फिर उसको कैंसर कैसे हुआ, ठीक है। कैंसर जेनेटिकल भी हो सकता है, मतलब जेनेटिकल आपके पूर्वजों में किसी को कैंसर रहा हो तो आप में वो जीन, वो पर्टिकुलर डीएनए आ सकता है और उससे आप में कैंसर बन सकता है, या फिर बन सकता है या आप में संभावना थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है, इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देख रहे हैं हम कि एक नॉर्मल इंसान है उसको कैंसर कैसे हुआ, उसको कैंसर हो सकता है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से, ठीक है। बायोलॉजिकल कोई एजेंट्स है,
कोई मतलब ऐसी चीज उसने खा ली या कोई ऐसा लिविंग था, ठीक है, जो उसकी बॉडी में एंटर हो गया और उसने धीरे धीरे उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करना शुरू किया, तो वहां कैंसर हो सकता है, ठीक है। केमिकल जैसे ये इंक है, ठीक है, मैं बायोलॉजी टीचर के तौर पे आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो इंक है, जैसे कई लोग पढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ कई टीचर बहुत अच्छा बिल्कुल लीन होके पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लीन होके पढ़ाइए, आप पूरे पैशन से अपना काम कीजिए। लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ से साफ करते रहते हैं और फिर उनका लंच टाइम होता है तो उसी से वो खाना खा लेते हैं। ये गलती कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि ये जो इंक है ना, ये कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। ये मतलब ये श्योर नहीं कि ये आपके अंदर चलेगा तो कैंसर कर ही देगा, लेकिन इसमें हाई चांस है कैंसर करने का, ये कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। ये हो गया, नेल पॉलिश हो गया, तो ये अंदर नहीं जाना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर कैसे, जैसे एनवायरमेंट में कोई चीज है या फिजिकली मतलब आपकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है, आप ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है, तो उससे भी कई बार क्या होता है, कोई ऑर्गन काम करना, कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाता और वहां पे इस तरीके के सेल्स बनने के चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कई सारे रीजन है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो कैंसर करते हैं। अब जैसे एक एजेंट जैसे टोबैको है, टोबैको सिगरेट, ठीक है, तो टोबैको जरूरी नहीं है कि कोई इंसान सिगरेट पीता हो तो उसको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा वो ऐसा करके, ठीक है। तो क्योंकि टोबैको क्या हो गया, एक एजेंट हो गया, कार्सिनोजेनिक एजेंट, तो जो भी चीज कैंसर करती हो उसको हम कहते हैं कार्सिनोजन। ये बात आप याद रखना, दीज एजेंट्स आर कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कैंसर करती हो, ठीक है। सम कार्सिनोजन, अब कुछ कार्सिनोजन पढ़ते हैं, अब कार्सिनोजन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, क्लियर ही बात। देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। सम कार्सिनोजन मतलब रेडिएशन से कैसे कैंसर हो सकता है। देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं एक्सरे, गामा रेस, ठीक है। अब देखो जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं हम, तो एक्सरे करते हैं हमारा ऐसे, हमें खड़ा कर देते हैं और एक प्लेट रख देते हैं, या प्लेट के पीछे प्लेट रहती है उसके आगे हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी हमने ब्रेसलेट या कुछ भी नेकलेस वगैरह कुछ पहना हो तो उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, मतलब उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन की इमेज आती है, लेकिन एक लिमिट तक ही आपको एक्सपोज किया जा सकता है इन चीजों से। अगर बहुत ज्यादा बार बार किसी का एक्सरे करोगे या बार बार किसी को एक्सरे के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो उसमें कैंसर बनने की संभावना ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सेम एज गामा रे, गामा रे के साथ भी यही हुआ, ठीक है। अब ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की कंडीशन में आती है, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है, ठीक है। और अभी कल मैं नेट पे देख रहा था तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है इंडिया में वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, ठीक है। तो कुछ मतलब ये परसों नरसों से रुक ही नहीं रही है, ठीक है, तेज हो रही है, फिर कम हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है। मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी रुक जाए तो वीडियो बनाऊं, लेकिन अब ये तो रुकेगी ही नहीं और फिर वीडियो तो बनाना ही है, ठीक है। तो फिर मतलब थोड़ा आप मैनेज करने की कोशिश करना, बीच बीच में आवाज आने लग जाती है, ठीक है। मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन, सम कार्सिनोजन में आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, एक्सरे, गामा रेस, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होते हैं, यूवी रेस, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। अभी कैसे लिंक्ड है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। अब ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो ओजोन पहले कम आती थी, छन के आती थी, ओजोन लेयर थी, तो ओजोन जब लाइट आती थी, सूरज की जो किरणें आती थी वो थोड़ी छन के आती थी तो कम आती थी, तो उतना हमारी बॉडी के लिए सही था। अब ओजोन डिप्लीट होती जा रही है तो सनरेज डायरेक्ट पड़ती है हमारे स्किन पे, ठीक है। अब डायरेक्ट जब हमारे स्किन पे पड़ेंगी तो उसमें यूवी रेज भी होंगी और यूवी रेज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कैंसर कॉज करने का, या आप में स्किन कैंसर कर सकता है, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है यूवी रेज और आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे और गामा रेज, ठीक है, क्लियर ही बात। इसमें और भी चीजें हैं अभी, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।